जय माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 22 जुलाई सावन के पहले दिन माता काली भगवान शिव के मंदिर में ये चार चीज जरूर चढ़ाएं जो मांगोगे आपको वही मिलेगा साक्षात माँ काली और भगवान शिव के एक साथ रूप में दर्शन होंगे वो भी सपने के माध्यम में और जब आपको भगवान शिव और माता काली एक साथ दिखाई देंगे उस समय अगर आपने मन ही मन में कुछ भी मांग लिया तो समझ लीजिए भक्तों वो आपको मिलना ही मिलना है चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए लेकिन जो आपने माँ काली भगवान शिव से मांगा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहे आपने कुछ भी मांगा हो अपनी ज़िंदगी के लिए कितनी भी बड़ी चीज़ मांगी हो कितनी भी छोटी चीज़ मांगी हो कैसी भी चीज़ मांगी हो मात्र उसी समय भगवान शिव और माता काली आपको वो देंगे जो आप प्राप्त करना चाहोगे तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को चार चीज़ें बताऊंगी जिसका आपको उपयोग करना है यानी कि माता काली के भगवान शिव के मंदिर में आप लोगों को ये चीज़ें चढ़ानी हैं कैसे कैसे चढ़ानी सब कुछ मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी अगर मान लीजिए आप लोग ये चार चीज़ें माता काली भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो उसी दिन उसी रात माता काली भगवान शिव आपके सपने में आएंगे और जो आप उनसे मांगेंगे अपने मन में आपको वही चीज़ मिलेगी चाहे आप उस समय कुछ भी मांग लो तो जैसे कि भक्तों आप सभी को पता है बाईस जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है और ये जो मैं आपको वीडियो में कार्य बताने जा रही हूँ ये भी आपको सावन के पहले दिन ही करना है कैसे कैसे करना है सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊँगी और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे सबसे पहले देखिए बाईस जुलाई का सावन है पहले सावन की शुरुआत हो रही है बाईस जुलाई से और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि बाईस जुलाई का सोमवार पड़ रहा है और सोमवार का दिन ही महादेव का भी होता है और सभी देवी शक्ति का भी होता है देवी शक्ति का दिन मंगलवार शनिवार सोमवार तीन दिन देवी शक्ति के माने जाते हैं ऐसे ही भगवान शिव का भी सोमवार का दिन होता है बाबा वीर हनुमान का भी मंगलवार का दिन होता है अनेक देवी देवताओं के दिन बनाए गए हुए हैं लेकिन जिस दिन से सावन की शुरुआत हो रही है वो महादेव का दिन है और महादेव का पहला व्रत बाईस जुलाई से ही शुरू होगा तो आपको क्या करना है देखिए आप व्रत रखिए मत रखिए उससे कोई वो नहीं है आपको बस ये कार्य कर लेना है कैसे करना है सबसे पहले आपको एक पानी वाला नारियल लेना है साथ में आप लोगों को इक्कीस रुपये की बर्फ़ी ले लेनी है सफ़ेद वाली ठीक है इक्कीस रुपये की लेनी है बीस की नहीं लेनी है और साथ में ग्यारह नींबू की माला अपने हाथों से बना लेना अपने घर में एक दिन पहले ही बना के रख लेना माला ठीक है जैसे 22 तारीख से सावन शुरू हो रहे हैं तो आपको 21 तारीख को ही बना के माला को नींबू की रख लेना है रात्रि में ठीक है ये करने के बाद आपको एक लोटा पानी भर के रखना है उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है थोड़ा सा उसमें शहद मिलाना है हल्दी मिलानी है साथ में आपको एक तुलसी का पत्ता उसके अंदर डाल देना है और ये चारों चीज़ें लेके आपको जाना है महादेव के मंदिर में माँ काली का मंदिर हो महादेव का मंदिर हो वहीं पे आपको चढ़ाना है जहाँ पे महादेव होंगे वहाँ पे माता काली भी होगी तो आप लोगों को मंदिर जाके सबसे पहले शिवलिंग पे ये जल चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के तुरंत बाद आपको भगवान शिव की मूर्त पर या फिर शिवलिंग पर ही आपको जो ग्यारह रुपये की आपने बर्फ़ी ली है वो आप लोगों को वहीं पे चढ़ा देनी है बाकी की जो बर्फ़ी आपके पास बचेगी उसको आपको प्रसाद के तौर पे सभी भक्तों को जो भी आपके आसपास में हो सबको बांट दीजिए और थोड़ी सी बर्फ़ी आप शिवलिंग पे या भगवान शिव की जो मूर्त है वहाँ पर चढ़ा दीजिए ठीक है ये भगवान शिव का कार्य करने के बाद आपको माँ काली की मूर्त के पास जाना है वहाँ जाके माँ काली के चरणों में नारियल तोड़ना है ठीक है माता के चरणों में नारियल तोड़ के जो भी उसका पानी निकलेगा वहीं पे उसे तोड़ के अलग करके रख दीजिए चरणों में उसी के साथ ग्यारह नींबू की माला जो आपने माँ काली को बनाई है वो आप उनके गले में धारण कीजिए अपने हाथों से उसके बाद आपको मन ही मन में माँ काली को भगवान शिव को याद करना है और याद करते हुए दोनों के दर्शन आपको मांगने हैं और नैम है, हे माता काली हे भगवान शिव ये जो उपाय मैंने किया है हमारे चैनल का नाम ले देना फिर करना ठीक है ये जो मैंने उपाय किया है बताया हुआ इस उपाय से मैं चाहता हूँ कि मुझे माँ काली भगवान शिव दोनों के साथ में दर्शन होने चाहिए जोड़े में और उस समय में जो भी मांगूँ मुझे वही मिलना चाहिए ठीक है ऐसे बोल के आप अपने घर आ जाना घर आने के बाद अपने घर पे पूजा पाठ कर लेना जो भी आप करते हैं अपने घर की पूजा पाठ करने के तुरंत बाद ही आप रात्रि में जब सोएंगे तो सोते समय भी आपको महादेव का नाम लेना है और माँ काली का नाम लेना है अब मान लीजिए जैसे ही आप सो जाते हैं तो उसी समय उसी रात्रि में भगवान शिव और माता काली आपके सपने के माध्यम में आएंगे ठीक है जो रूप आप तस्वीरों में मूर्तियों में देखते हो वही रूप आपको दिखेगा जैसे आप सामने स्क्रीन पर माँ काली का रूप देख रहे हो यही रूप माता दिखाएगी और भगवान शिव का जो रूप देखते हो वही भगवान शिव दिखाएंगे उस समय मान लीजिए आपको जब उनके दर्शन हो जाए तो मन ही मन में कुछ भी मांग लेना जो भी आप मांगना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो मतलब जो भी आप उस समय पे अगर मन मन में मांग लेते हैं तो समझ लो भक्तों हंड्रेड परसेंट तो क्या हजार परसेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहे आप उस समय कुछ भी मांग लेना तो इस तरीके से भगवान शिव माता काली के आप दर्शन कर सकते हैं और उनसे अपना मनचाहा फल भी प्राप्त कर सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माँ काली हर हर महादेव माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएँ पूरी करें